हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से उनका आपके बारे में या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचना है। आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो लोग ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, माइंड को, जिनसे भी आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। मटीरियल हार्वेस्ट, डेस्टिनी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, चर्च, मूविंग ऑन। बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट अटैक एंड लॉस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं, क्या सोचना रहा है इनका। ऑक्यूपेशन गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना रहा है इस पर्सन का। वेल्दी मैन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोचना रहा इनका। डिस्पेयर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना रहा है सुबह से इस पर्सन का। पाथवे, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। मैच्योर वुमन, बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, उसके अलग टैरो से भी कार्ड्स यहाँ पर निकलेंगे। अभी यहाँ पर आपके लिए नंबर 3 और 6 यानी कि मार्च और जून मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे फिर अच्छे वे में जुड़े हुए हों या बुरे वे में ही क्यों ना जुड़े हुए हों। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लॉस करा है, यानी कि इस पर्सन के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं कर पाते हैं। रीज़न यहाँ पर ये है कि इनका जो पास्ट है वो काफ़ी बुरा ऑलरेडी निकला है, और इनके बुरे पास्ट के तुरंत बाद आप इस पर्सन की लाइफ में जंप कर गए हो, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे मेन दिख रही है। एज एन अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे शादी करने से पहले इस पर्सन की लाइफ में कोई और था या थी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से लेंगे यहाँ पर। और उसके साथ इस पर्सन ने जो भी रिश्ता था ना इनका, वो इतना अच्छा नहीं रहा। उस रिश्ते में इन्होंने बहुत कुछ खोया, और सबसे ज़्यादा इन्होंने खोया उस रिश्ते में भरोसा और प्यार पर से भरोसा, वो चीज़ें इन्होंने खोई। या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस पर्सन ने डेफिनेटली अपनी बहुत टॉक्सिक मैरिज को ऑलरेडी देख लिया है, या फिर आप इस पर्सन के साथ मैरिज में आना चाह रहे हो, और मतलब ये किसी और रिलेशनशिप में नहीं थे, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसा देखा है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर भरोसा ना करना, एक दूसरे पे प्यार पे
सारी बातें एक दूसरे को शेयर ना करना, तो ये सब चीज़ें इन्होंने देखी हैं। तो ओवरऑल सब सूरतों में इस पर्सन का पास्ट जो है, पास्ट रिलेशनशिप ऐसी रही है या जो इन्होंने देखी है उसमें ने यही दिखा है कि कोई भी मैरिज लाइफ जो होती है ना वो सक्सेसफुल नहीं रह पाती। और इनका यही रीज़न है यहाँ पर कि ये किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं कर पाते और तुरंत उसके सामने ओपन भी नहीं हो पाते। और इनके मन में ना ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं इसी रीज़न की वजह से कि नहीं जमी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाएंगे, नहीं होगा मैरिज अगर नहीं रही तो। मैं इसी थॉट की वजह से ये पर्सन ना ज़्यादा अटैच्ड ही नहीं होते, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस अगले तक इसीलिए जाने ही नहीं देते। आपकी जैसे फीलिंग्स आप जिन्हें जितना इन्हें दे रहे थे वो फीलिंग्स अपने दिल तक जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहाँ पर इन्हें दिल के मामले में बहुत तकलीफ़ मिली हो। चाहे फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन किसी सिंगल पेरेंट के साथ हों, एज इन कि उनके सन या डॉटर हों और इनके पेरेंट जो इनकी परवरिश हुई है वो सिंगल पेरेंट के साथ हुई है। तो डेफिनेटली इन्होंने यही चीज़ें देखी है, भरोसा ना करना, अकेले रहना और कैसे मूव ऑन करना, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन का जो भी बचपन था ना बहुत ऐसा रहा कि बस पैसा कमाना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत ज़्यादा बस मतलब पैसे को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। दुनिया में कोई इतने भरोसे के लायक नहीं है, प्यार इमोशंस फीलिंग्स लोग ये सब भरोसे के लायक नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अगर आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, तो ये किस्मत ना खुद आपके हिसाब से चलने लगती है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है, या किस्मत खुद आपके कदमों में आकर गिरती है, लोग आपके कदमों में आकर गिरते हैं, ऐसा इस पर्सन का सोचना है। तो ओवरऑल ये तो खैर इनका बैकग्राउंड दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, सब लोगों से ना करे। एनीवेज हमारा सवाल यहाँ पर यही है कि इनकी सुबह से क्या एनर्जीज रही है। तो इसी रीज़न की वजह से ना यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना फोकस अपने बिजनेस पर, अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने के मामले में लगा रहे थे कि इन्हें कोई व्यापार करना चाहिए, कोई ऑक्यूपेशन करना चाहिए, कोई नई जॉब नए सिरे से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि ये एक बहुत पावरफुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाए, हो भी तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए ताकि किस्मत जो है वो इनके हाथों में इनकी मुट्ठी में रहे। और इसी मामले में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे सुबह से कि इनकी ज़िंदगी में तभी एक पॉजिटिविटी आएगी, तभी एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा जब ये मुकाम हासिल कर लेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इसी मामले में ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हों, ठीक है, कि मुझे बेसिकली यूनिवर्स डिवाइन जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हो वो इन्हें रास्ता दिखाएं कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए ताकि ये मुकाम हासिल कर सकें। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में जो ये चाहते हैं ना वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस रीज़न की वजह से निराश भी थे। जैसे हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि बहुत रिच है, इस पे तो बहुत पैसा है, ऑलरेडी इतनी रिच है और कहाँ से लेकर आएगी या आएगा, और कहाँ झाड़ पे चलना है, पैसों का पेड़ लगाना है, आपके मन में अगर ये थॉट आ रहे हैं ना तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि ऊपर से भले ये पर्सन काफ़ी रिच हो लेकिन अंदर से डेफिनेटली ये किसी तरह का नुकसान झेल रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो सुबह से मेन इनकी एनर्जी यही रही है कि मेरे को अपना फोकस ना कहीं इन चीज़ों पर लगाना है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, एक बहुत बड़ा इंसान मुझे बनना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना आप पर, आपके प्यार पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अगर इनके सामने कुछ बताते हो, बोलते हो, कोशिश करते हो तो ये भरोसा भी नहीं कर पाते, और हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इशू हुआ हो, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को और ज़्यादा श्योर कर गई यहाँ पर कि
मैं जो सोचता था या सोचती थी, जो मैंने बचपन से देखा था, या वो चीज़ें ही यहाँ पर भी हुई हैं। तो वही सोच की वजह से ये पर्सन ना इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, इस सोच के साथ बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, टैरो से और देखते हैं और क्या एनर्जीज रही इस पर्सन की सुबह से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मटेरियल हार्वेस्ट एंड ऑक्यूपेशंस के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। स्ट्रेंथ, तो देखिए ये पर्सन डेफिनेटली एक पावर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर जो बढ़ना चाह रहे हैं, उस मामले में ये स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पर ये पर्सन जो अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे थे या स्ट्रेंथ कर रहे थे, वो अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं मुझे आज के इस रीडिंग में। ठीक है, आज सुबह से जैसे ये पर्सन बस यही सोच कर उठे हो कि बस अभी इन्हें पैसा कमाना है, इसके लिए जो भी इनसे बनता है इन्हें वो करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ नई जॉब करनी है, चाहे छोटे लेवल से ही क्यों नहीं हो, लेकिन इन्हें स्टार्ट करना है, तो वो एनर्जीज इनकी रही है। डेस्टिनी और वेल्दी मैन के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। डेस्टिनी और वेल्दी मैन के मामले में क्या एनर्जीज रही सुबह से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन के मन में ना सुबह से इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसके लिए इन्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, इन्हें तुरंत इस चीज़ में इस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए और अपनी एक नई साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए, जिस नई साइकिल में इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा हो, इनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ पैसा हो, और ये कहीं ना कहीं उसी धुन में लग जाएं, ये उस एनर्जी में थे। यहाँ पर नंबर 10 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ, ठीक है, आपसे किसी ना किसी तरह से इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहे हैं सुबह से कि ना अब इन्हें अपने लक को कहीं ना कहीं को आजमाना है। ठीक है, कि मेरा लक कितना मेरा साथ देता है पैसा कमाने के वे में, तो उस होड़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लगे हैं, ये एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और डिस्पेयर के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही सुबह से, द ड्रीमर। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो डेफिनेटली दिख रही हैं कि ये पर्सन एक न्यू स्टार्टिंग के बारे में सोच रहे थे, अपने आप पर भरोसा करने के मामले में, अपने आप को पुश करने के मामले में सोच रहे थे एक पॉजिटिविटी की तरफ, ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। बट मुझे साथ में ये भी दिख रहा है विद दिस द ड्रीमर कार्ड कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं हो, ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे थे तो बेसिकली इनके साथ ये हो रहा था, ये इस एनर्जी में पहुंच जाते थे, निराश हताश परेशान वाली एनर्जी में पहुंच रहे थे, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन के मन में ये था कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब इन्हें ये समझ में आता है कि आपका और इनका साथ नहीं हो पाएगा, इस रिश्ते में इन्हें बहुत ज़्यादा निराशा मिली है, इस कनेक्शन में इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इनके मन में इस तरह के थॉट भी चल रहे थे कि इनके लिए अभी यही बेहतर है कि ये आपके तरफ बढ़ने के बारे में या आपके थॉट मन में लाने के बारे में ना सोचकर अपने सपने के बारे में, एक नई स्टार्टिंग के बारे में, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोचें, यही इनके लिए अच्छा होगा। जब ये एक बार ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद ये डेफिनेटली आपके लिए बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। तो वो एनर्जीज थी, यानी कि अभी सुबह से इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट थे कि अब तो मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आएगी ना, वो तभी आएगी जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा या कमा लूँगी। ठीक है, तो वो एनर्जीज थी, मैं अपनी किस्मत को आजमा लूँगा या आजमा लूँगी, उस मुकाम तक पहुँच जाऊँगा या जाऊँगी जहाँ पर शायद कोई पहुँच ही नहीं सकता। चर्च और पाथवे के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही सुबह से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
भाई देखो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है, ये शुरू से लेकर पेंटिकल्स आया है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच रख रहे हैं सुबह से, ये चीज़ें तो यहाँ पर डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक सोच इस पर्सन की दिख रही है। इस पर्सन को इस वक्त में जैसे प्यार, घर, परिवार ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिख रहा है जितना कि इन्हें पैसा, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा मायने रख रही हैं इनके लिए। किसी पॉइंट पर जब इन्हें आपकी याद आ भी रही थी, आपको एज अ फैमिली, एज अ होम ये पर्सन जब सोच भी रहे थे ना, तो ये पर्सन कन्फ्यूज्ड भी हो रहे थे कि इन्हें ना अल्टीमेटली किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। यानी कि ये पर्सन जैसे तराजू पे रख रहे थे, एक तरफ प्यार और एक तरफ यही मेटेरियलिस्टिक सोच, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए, कौन सा इन्हें रास्ता लेना चाहिए, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ या आपकी तरफ, अपने प्यार की तरफ, जिसकी तरफ बढ़कर इन्हें अभी तक कहीं ना कहीं सिर्फ और निराशा मिली है, कोई होप इन्हें नहीं दिख रही है। तो वो एनर्जीज भी इनकी रही, यानी कि एक ऐसी एनर्जी रही इनकी, एक ऐसी सोच रही जिस मामले में अपने आप को काफ़ी सेंसिबल मान रहे थे कि मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ और अपने आप को काफ़ी कमज़ोर मान रहे थे, ये भी यहाँ पर है। ठीक है कि मतलब ऐसे कि ये सही कर रहे हैं ना, ये सही रास्ते पे चलने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, तो इस चीज़ के लिए अपने गॉड से ये प्रेयर कर रहे थे कि इन्हें गाइड करें कि क्या ये सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज इनकी रही हैं। मूविंग ऑन एंड मैच्योर वुमेन के मामले में आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं, मैंने आपको बताया कि आपके बारे में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा नहीं हो सुबह से। बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह मान रहे थे, एक ऐसी वुमेन या एक ऐसे पार्टनर की तरह मान रहे थे जो बेसिकली केयरिंग है, लविंग है और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार है, हर चीज़ों को भरोसा करने वाली है या वाला है। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे थे और इन्हें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो इन्हें ये लग रहा था कि इन्हें ना आपसे मूव ऑन करना पड़ेगा या इन सब चीज़ों से इन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी दे रही थी। ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि इन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अपनी फीलिंग्स के साथ बहा देना होगा, इससे दूर जाना होगा। इसी रीज़न की वजह से जैसे गॉड से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे कि ये सही कर रहे हैं ना, ये सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज इनकी रही। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 10 of Pentacles, यानी कि इन्हें ये भी लग रहा था कि माना फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन फैमिली भी तो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो भी एनर्जीज थी कि फैमिली अगर होती है तो मन में शांति होती है, सपोर्ट होता है, एक ऐसे ही फैमिली होती है कि जिस पे आप बेसिकली अभिमान कर सको, जिससे आप केयर ले सको, केयर कर सको। फैमिली बेसिकली एक ऐसा पेड़ होता है जो जितना ग्रो करता है उतना मजबूत होता है। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो भी इनका आपके साथ रिश्ता है, जो अल्टीमेटली मैरिज तक ही जाना है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों ही सूरतों में, तो वो चीज़ें भी चल रही थी। तो मेरा यहाँ पर कंक्लूज़न मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे सुबह से बहुत कंफ्यूज्ड थे और तराजू में रख रहे थे कि मुझे किस तरह पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं अल्टीमेटली बढ़ेंगे किसकी तरफ। तो इधर रखती हूँ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें और इधर रखती हूँ आपको। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अल्टीमेटली किसकी तरफ, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अल्टीमेटली किसकी तरफ बढ़ेंगे ये पैसा या फिर मेरे व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, होता है किसके तरफ अल्टीमेटली ये पर्सन बढ़ेंगे पैसा व्यूअर्स। तो देखिए आप खुद देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यहाँ पे निकालूंगी और आपके लिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये दोनों ही नो को इंडिकेट करते हैं और ये दोनों ही यस को इंडिकेट करते हैं। भले इस तरह की सोच थी इस पर्सन की सुबह से, जो इन्हें खुद परेशान कर रही थी,
ठीक है, चलिए इनके दो तीन मैसेजेस देखते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये जनाब आपसे, जनाब या जनाबी। I have looked you up online, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन अभी भी चेक करते हैं, ऑब्वियसली प्यार आपसे करते हैं, तो यू आर माई एवरी थिंग, माई वर्ल्ड, माई जान, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके सब कुछ हैं। आई मिस यू यार, प्लीज़ कम बैक, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको मिस करते हैं क्योंकि ये अभी भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, तो मैंने तो आपको यहाँ पर पहले ही बोला था बढ़ेंगे ये आप ही की तरफ, लेकिन खाली पीली भाव खा रहे हैं और चाह रहे हैं आप भी इन्हें वो भाव खिलाओ। आप खिला नहीं रहे हो तो फिर और भाव खा खा कर दिखा रहे हैं। तो ये एनर्जीज आई है इस पर्सन की, सुबह से क्या सोच रही इनकी, काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में रहे, खुद भी दिमाग ख़राब करा और अगले का भी करते रहे, ये एनर्जीज इनकी रही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आपको रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।